السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. चौथी सदी हिजरी के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली और इमाम और मुहद्दिस गुजरे हैं. उनका नाम है इमाम हाकिम रहमतुल्लाह. उनको ना चेहरे पर जख्म हो गया, या कह लें कि फोड़े या पिंसी वगैरह को बड़ी में ख़तरनाक सी निकल आई. बड़े उन्होंने इलाज मुआवजे करवाए तो मामला ठीक ना हुआ. फिर उन्होंने सोचा कि चलो जो अच्छे बड़े लोग हैं ना उनसे दुआ करवाते हैं. अच्छा जी, आज की जो क्लास है ना गालिबन चौथी, इसको आपने बड़ी तवज्जो से सुना, यानी समझ लें ये मेरे इलम में या मेरे पास भी आखिरी इलाज है जो मैं आपको दिए जा रहा हूँ. बड़ी अहम तरीन क्लास है, इसको आपने सुनना भी है, समझना भी है, दिल में उतारना भी है, याद भी रखना है, और इधर देखें इस पर अमल भी करना है, और मेरी तरफ देखना है आपने, ताकि ये एक अहम चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. अच्छा जी, इमाम साहब ने ये प्रोग्राम बनाया कि जो अच्छे लोग हैं ना उनसे दुआएं करवाते हैं. तो उनके एक उस्ताद थे, वो जामे मस्जिद में ना जुमा पढ़ाते थे. वहाँ तशरीफ़ ले गए और कहने लगे, उस्ताद मोहतरम मेरे लिए दुआ करना, बड़ा प्रॉब्लम है, फेस है, चेहरा है, सब ने देखना होता है तो बड़ा प्रॉब्लम है. तो बड़े लायक फायक शगिरद थे. तो उन्होंने ना जी खुतबा मुकम्मल करने के बाद अपने शगिरद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करवाई और बतलाया कि वो ज़रा प्रॉब्लम में है. तो ख़वातीन भी खुतबे के लिए आई हुई थी. यहाँ भी मैंने देखा है मसाजिद में इहतमाम होता है, जैसे कि मस्जिद नबवी शरीफ में है और बैतुल्लाह में है. तो वो एक औरत ने जब ये सुना कि इमाम साहब बीमार हैं, तो ज़ाहिर है वो दीनी बहन होंगी उनकी, उन्होंने ना अल्लाह ताला से दुआएँ करना शुरू कर दी उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे दे. रसूल पाक इस्लाम की हदीस के इमाम है ना, एक आदमी है, तीन का काम करेंगे, अल्लाह ताला शिफा दे दे. तो इसी तरह ना वो दुआ करके लेटी हुई थी, तो ख्वाब में उनको इशारा हुआ कि हाकम को कहो कि कहीं ना कोई पानी का अहतमाम करे, लोगों को ना पानी वगैरह पिलाए, तो उसके मामले बेहतर वाले हो जाए. कुआँ खुदवा दे या कहीं को मीठे पानी का कोई अहतमाम अरेंज कर दे. अगले खुतबे में उस औरत ने एक मुक्ता लिख करना वो चिट नीचे फेंक दी. तो वो उन्होंने पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो उन्होंने अपने ही महल्ले में ना जी मीठे पानी का, साफ सुथरे पानी का ना जी अहतमाम कर दिया. तो ये कोई फेसबुक की वाकया नहीं है. मैंने देखा फेसबुक में जी लोग वैसे जुमला अच्छा होता है नीचे लिख देते हैं हज़रत अली ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला, या ये बुखारी शरीफ में आता है, हालांकि वो दुनिया की किसी किताब में हदीस नहीं होती. ऐसी जहालत आ गई लोगों. ये मैं शोएबुल ईमान से आपको एक सही वाकया सुना रहा हूँ, यानी ये सनद के लिहाज से भी ठीक है. उन्होंने वो पानी का इहतमाम किया तो कहते हैं मा मर्रा उसबू इल्ला ज़हरा अशिफा औ कमा वरद. कहते हैं कि अभी एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि वो जख्म जो थे ना वो फिंसी और वो जो फोड़ा था जो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था उसने मुंतमिल होना शुरू कर दिया, और बस एक दो माह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुकम्मल सेहत याब फरमा दी. ये वाकया मैंने आपको क्यों सुना है मेरे प्यारे भाइयों, देखें अगर आप अपनी ज़िंदगी में ख़तरनाक मोहल्ले कमराज से बचना चाहते हैं, जहाँ जाके डॉक्टर भी याद खड़े कर दें. हमारे कई मर्द व ख़वातीन ऐसे हैं, मर्द भी ठीक है, बीवी भी ठीक है, सेहतमंद है, औलाद नहीं है, या बड़े टेस्ट करवाए हैं, बड़े मामला करवाए हैं, लेकिन कहीं को मामला समझ नहीं आ रहा. तो ये आखिरी दो हल हैं, एक तो दुआ करवाया करें जी अल्लाह के नेक बंदों से, और दूसरी बात यह है ये जो है ना पानी पिलाने वाला मामला, सदक़े वाला मामला, ये बहुत ज़िंदगी में रखा करें. और यार हम लूटने नहीं आए, हम पिलाने आए हैं, हम लुटाने आए हैं. सारी बातों का खुलासा आपको बता दूँ, ये जब से लूटने वाला जहन बढ़ गया ना, हसद वाला जहन, लूटने वाला जहन, छीनने वाला जहन, बर्बादी आ गई है, तबाह हो गए हैं खानदान, बरादरियाँ, देहात, गांव, शहर,
हम पिलाने आए हैं, हम लुटाने आए हैं, हम डकैती करने, चोरी करने, खियानते करने नहीं आए। ये देखें इमाम हाकिम रहमतुल्लाह को अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ वो पानी वाली सबील कह लें या वो पानी का एक जरिया मुहैया करने की वजह से लाइलाज बीमारी से शिफा अता कर। ये मेरे पास कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ के बाद में बुखारी शरीफ है, और बुखारी शरीफ के बाद दर्जा आता है मुस्लिम शरीफ का, यानी इतनी मोतबर तरीन ये मुसलमानों की किताब है, इसलिए मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। अब इसका एक वाकया सुनिए, यानी पहली बात कंप्लीट हो गई है। अगर मोहलक अमराज और जहाँ के समझे ना कि यार दायरा बंद हो गया, शायद साहब कुछ नहीं समझ आ रही डॉक्टरों को, अपनों बिलानों को, वहाँ फिर दुआ का सिलसिला, अच्छे लोगों से दुआ करवाएं। और मैं आपको नसीहत करूँगा, किसी भी आलम को कारी को हकीर नहीं जानना। ये भी यहूदियों वाली जुबान है कि जिन्होंने हमारे जनाजे पढ़ाने हैं, जिन्होंने हमारे निकाह पढ़ाने हैं, उनके खिलाफ हमारी जुबानें जो है वो बड़े दिल खराश मामले करते हैं। देखिए अगर कोई मसले पे खड़ा होकर भी बदमल है ना, जवानों इधर देखो, वो उसका जाती केस है, लेकिन वो मसले पे खड़ा है, वो कुरान शरीफ पढ़ रहा है, मेरी आपके जिम्मेदारी उसका एहतराम करना और हजरत साहब मेरे लिए दुआ करना। अगर वो कहीं कोई खराबी कर रहा है तो अल्लाह हिसाब किताब लेने वाला काफी है यार, हमको दरोगे नहीं है किसी के। तो जो मसले वाले मसल वाले लोग हैं, पकीजा लोग होते हैं, वो किसी एक गंदली मछली की वजह से पूरा जो तालाब है या जो सब मछलियां हैं एक जैसी नहीं होती, क्योंकि ये चीजें खराबी का बायस बनती हैं। एक मछली किसी वक्त पूरे तालाब को खराब कर देती है। लेकिन ये आपने जहन में रखना है, यही लोग हमारे इमाम हैं, यही लोग हमारे वजीर हैं, हमारी इज्जतों के मुस्तहक हैं, जनाजे भी इन्होंने पढ़ाने हैं, निकाह भी इन्होंने पढ़ाने हैं, नमाजें भी इनके पीछे पढ़नी, दुआ और सदके का मामला, पानी पिलाने का मामला। एक आदमी कह रहा था, ये मुस्लिम शरीफ में है, कह रहा मैं जा रहा था तो जैसे आप तो माशाल्लाह यहाँ है ही बादल, जब से मैं हूँ बादल ही देख रहा हूँ, वो ना बादल जा रहे थे तो चलते चलते बादलों में ना मैंने आवाज सुनी, आवाज क्या थी, इस्ते हदीका था फुलान, बादलों से आवाज आ रही थी और बादलों को ही ये कहा जा रहा था कि चलते जाओ और फुला जगह फुला बंदे का बाग है उसके पास जाकर तुमने बरसना है। ये जो बादल होते हैं ये अल्लाह की कुदरत है ना जी, बुखारात समंदर से, ये पानी के मशकीजे ही समझ लें जो हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा वो क्या था, मैं आवाज सुन के बड़ा ही हैरान हुआ, बादलों के साथ साथ चलता रहा हुए पहाड़ पे जाके बरसे, वहां से वो खालियां को नाले बने हुए थे, चलते चलते आगे एक बाग में बंदा बेलचे लिए हुए खड़ा था तो वो बड़ी तरतीब से पानी सीधा उसके बाग में जा रहा था। तो मैं पहले तो हैरान हुआ, फिर मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या है। अच्छा जो उसने ना बताया बादलों में भी उसी बंदे का नाम था। कहते हैं मैंने फिर उससे कहा भी यार तू करता क्या है, ये बारिश ये बादल और ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व ताला ने तेरी मेहमानी के लिए और तेरे ख्याल के लिए, मैंने ये अपनी कानों से सारा कुछ देखा और सुना है, करता क्या। उसने कहा मेरी जितनी पैदावार है तीन हिस्से करता हूँ, एक घर ले आता हूँ और दूसरा हिस्सा वो बाग में लुटा देता हूँ, तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में दे देता हूँ। माल का तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में दिया जाए तो आज भी गैबी मदद आती है। बेड़ा गर्क किया है चुराने ने, हम 30% नहीं देते हम चुराते हैं। मैं कहता हूँ 30% हम 30% भी नहीं देते, बस वो एक आदत बनी हुई है, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। एक कमरे पे हम लाखों रुपया उजाड़ देते हैं। रसूल पाक ने सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा नौसत वाला फजूल माल वो है जो आप ये दीवारों पे ईंटों पे और दारों पे लगाते हो, फरमाया सबसे ज्यादा नौसत वाला माल ये। तो मेरे प्यारे भाइयों अगर आज भी आप चाहते हैं कि जितनी मखलूकात हैं, बादल हैं, आसमान हैं, हजर हैं, शजर हैं, ये दरिंद चरिंद हैं, आप चाहते हैं ये मखलूकात भी आपकी कदर करें, इज्जत करें, आपकी मदद करें, तो अपने रिज़्क़ के हलाल में से कुछ निकालो और तीसरा हिस्सा नहीं तो 10वां निकालो, 20वां निकालो, 30वां निकालो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने देख ले खुल कर बताया था कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है, माल बेड़ा गर्क कर देगा मेरी उम्मत का। मैं दावा करता हूं आपसे और आप इंशाल्लाह तस्दीक करेंगे मेरे दावे की, मेरे तरफ देखें मुझे बताएं। अक्सर जो कत्ल है वो माल की वजह से नहीं होते। एक बदकारा औरत आवारा बंदा जिना ये माल के चक्करों में, यानी आप कोई भी गुनाह उठा ले आपको उसके पीछे जो इफरीत नजर आएगा ना, वो जो एक भगयाड़ खून खार नजर आएगा ना, वो माल ही होगा।
ये जितने लोग बेनमाज हैं, ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, दुकान से टाइम नहीं मिलता, बेनमाज किस चीज ने बना दिया माल, और तो किसी चीज ने नहीं बनाया। दुनिया का कोई गुनाह उठा के अगर मेरे पास लाए, मैं किसी ना किसी कोने से आपको बता दूंगा कि माल की हवस ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ना ये रब का है, ना ये रसूल का है, ना ये बहनों का है, ना ये भाइयों का है, ना ये मुसलमानों का है, जानवर है। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पहले ही बताया था, अज़र्रु फितनति उम्मती अल-माल, मेरी उम्मत का सबसे खतरनाक फितना और मेरी उम्मत का सत्यानाश कर देने वाला फितना ये माल है। आज की जो हमारी चौथी क्लास है, यकीन माने मैंने ये जोशी खिताबत में नहीं कहा, रस्मी नहीं कहा, ये आखिरी एक मेरे पास राज है, वो भी मैं आपको दिए जा रहा हूं। और मेरे प्यारे भाइयों, हम चुराने वाले नहीं, हम पिलाने वाले हैं, और हम लूटने वाले नहीं, हम लुटाने वाले हैं। अगर अल्लाह ने जरूरत से ज्यादा को मेरी पे है, मेरी सैलरी है, तो अल्लाह ने दी इसलिए है कि मैं इसको चेक करूं कि इसको बिल्कुल वो जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, करोड़ों छोड़ के मरता है या अपने हाथ से को किसी का भला भी करके जाता है। भाई अगर आपके पास देखें जरूरत का मकान है, सैलरी है, मामले है, कुछ पैसे आपने जोड़े हुए हैं, तो बहन के पास नहीं है कुछ उसको ले दो, भाई को ले दो, कोई गरीब नमाजी दीनदार है उसको प्लाट ले दो, मकान ले दो, सवारी ले दो, मोटरसाइकिल ले दो। यकीन माने जवानों, मैं ऐसे ऐसे मालदार जानता हूं वो दर्जनों मसले बनवा सकते हैं, एक मस्जिद नहीं दर्जनों मस्जिद को बनवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसी तपश है माल की, खुदा की कसम कभी उन्होंने मस्जिद में एक ईंट के पैसे भी नहीं दिए। अल्लाह से तौफीक मांगते रहा करो, अल्लाह तौफीक दे तो बंदे को हिम्मत होती है, अगर अल्लाह पाक तौफीक ना दे। ये मेरे फैसलाबाद का केस है, मैं एक बंदे को जानता हूं, वो अच्छे तरीके से ना मेहमान को ना जी हजरत जी चाय भी नहीं पिलाता था, मेहमान को चारना इधर देखो या कोई खाने का वक्त हो ना उसको को गेड़ा दे के चाय पे टरखा देना, बोतल पे टरखा देना, बिस्कुट पे टरखा देना, खाने से जान चुरा लेना, वो इसको अपना बड़ा कमाल समझता होता था। मेहमान जाने के बाद ना खुश कर्पियों में बताता था, दसो फिर गया कि नहीं गया। अब मैंने उस बंदे के मरने के बाद देखा है, गालिबन उसके दो तीन बच्चे थे, करोड़ों छोड़कर गया, हजरत जी उसके बच्चे जायदाद के चक्कर में लड़ लड़ के मर गए। क्या करना है उस पैसे को अगर मेरे और आपके घर से मेहमान एक वक्त की इज्जत की रोटी नहीं खा सका। और यार रोटी तो यतीमों के घरों में पकती रहेगी, हम राजक नहीं है, राजक अल्लाह है। बेवा औरतों के चूल्हे कभी नहीं बुझते, इधर देखो यार किसी के घर में रोटी पक जाए और उसमें थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा चला जाए, अल्लाह कहते हैं हाथ लगा के मेरे नाम में दे दे, मैं कहूंगा मैंने नहीं दिया, मेरे बंदे तूने दिया है। ये सिर्फ अल्लाह हाथ लगाते अपने बंदे। तो देख ले वो पहला वाकया, चेहरे पे खराज थी, जख्म था, फिंसी थी, बड़े इलाज करवाए, लेकिन देख ले खरे से अल्लाह ने शिफा दे दी। ये देख ले गैबी मदद आ गई। एक आपको तीसरा वाकया मैं सुनाता हूँ, आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास है बड़ी मुख्तसर है, बस समय लेके इख्तितामी बातें शुरू हो गई हैं। मैं इसलिए यार बात कर रहा हूं, शायद फिर हमारा वो माहौल शायद मेरा ऐसा है, अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप जरा मुझे बोल के बताइए। जहां भी दोस्तों साथियों में बैठते हैं ना, या जॉब की बात होती है, या पेट की बात होती है, या जेब की बात होती है, या सैलरी की बात होती है, कभी ये बात हुई है नमाज का तर्जमा भी आता है कि नहीं? कभी ये बात हुई है यार 30 पारे हैं कुरान के, कोई 30 आयतों का भी तर्जमा आता है कि नहीं? कभी हमने दोस्तों से पूछा अजाबे कब्र से बचने के लिए क्या किया है, अल्लाह की जन्नत के लिए कि माल माल जॉब जॉब माल, यही कुछ है मेरे भाई ने। यकीन माने जो बंदा इसकी जितनी ज्यादा फिक्र करता है ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उतना ज्यादा बिखर जाता है, उलझ जाता है। हर गफलत के पीछे माल छुपा हुआ है, हर गुनाह के पीछे माल छुपा हुआ है, इस चोर को पकड़ो, हर जुल्म के पीछे माल छुपा हुआ है। जज जो जुल्म करते हैं, वकला जो जुल्म करते हैं, हुक्मरान जो जुल्म करते हैं, करप्शन करते हैं, क्या है माल का माल की हवस है और क्या। हालांकि मुझे आप बता दें, मैंने गालिबन पहले भी किसी क्लास में आपसे ये पूछा था कि जो बंदा करोड़ों का जिसके पास बैंक बैलेंस है, क्या वो सोने के पेड़े खाता है? यकीन माने मैंने देखा है कि थोड़ी तनख्वाह लेने वाले, तौफीक की बात है ना,
एक दोपहर में खाने में थे, एक बहुत बड़ा मिल ऑनर था और वो चावल के साथ, चटनी के साथ, एक बाजारी शामी के साथ खाना खा रहा था और एक नॉर्मल किस्म का बंदा था, यकीन करें, उसके सामने मैं देख रहा था कि देसी घी में देसी खाना, यानी बड़ा बेहतरीन खाना। क्या करना है ऐसे माल को कि इंसान खा भी ना सके। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की राह में देते रहो, देते रहो, खर्च करते रहो। हमने लूटना नहीं है, हमने चुराना नहीं है, हमने खयानत नहीं करनी, हमने जेलस नहीं होना, बेड़ा गर्क कर दिया। यानी खुद जो कमाता है, खाता है, जवान है और सब कुछ है, उसकी खुशी नहीं है, बस वो दूसरे को जो मिल रहा ना, बस उसका हसद है, दिल में एक इनकबाज है। आपने ये वाकया सुना ना, मैंने सुना था, आपको सुना देता हूं। एक आदमी ने मजदूर लिया सुबह 8 बजे, उससे बात हुई भी कितनी दिहाड़ी लेगा, उसने कहा 800 रुपया लूंगा। तो जब दोपहर का वक्त हुआ, मालिक ने देखा यार इससे काम नहीं मुकम्मल होने वाला, उसने एक और मजदूर ले लिया। जब देखा कि 4 बजे है, इससे भी नहीं मुकम्मल होने वाला, तो वो एक तीसरा ले लिया। वो 5 बजे काम सारा मुकम्मल हो गया। वो जो सुबह 8 बजे आया था, उसको चाय भी पिलाई, उसको 800 रुपया भी दिया, मजीद खिदमत भी उसकी की, वो बड़ा खुशबाज था। अब जो 12 बजे वाला आया था, वो मालिक अच्छा था, उसने उसको भी 800 रुपया दे दिया। इसका चेहरा उतर गया, इनू 800 क्यों लब्बा है, बदबख्ता तेनू नहीं लब्बा। अच्छा, वो बड़ा खुश था कि मैं 12 बजे आया हूं, मालिक बड़ा अच्छा है, मुझे भी 800 दे दिया। जब तीसरा जो 4 बजे आया था ना, उसने उसको भी 800 दिया ना, इसका चेहरा भी उतर गया कि इनू भी 800 लब्बा, इन्हें घंटा काम किया। बस ये हसद है यार, अजीब जलन है, अजीब, यानी यकीन मैंने जानवरों वाली सोचे हैं, चुराना, खयानत करना। ये जुमला आम हम सुनते हैं, लोग कहते हैं जब तक झूठ ना बोले, चक्कर ना दें, उस वक्त तक कुछ बचता नहीं है, जिंदगी में बर्बाद हो रही है यार। नसीब का मिलके रहता है, अरबी का एक जुमला है, नसीबों का यसीबों का वलो का ना बेन जबलैन, माला नसीबों का ना यसीबों का वलो का ना बेन शफतैन। तेरा नसीब अगर दो पहाड़ों के दरमियान में है ना, अल्लाह वहीं से भी उठा के दे देगा। जो तेरा नसीब नहीं, आपने कभी देखा है नवाला बिल्कुल मुंह के पास होता है, वहीं से नवाला नीचे गिर जाता है। आपको एक और वाकया सुनाता हूँ हदीस शरीफ का, फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं और बात खत्म करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी एक जगह ना ज़कात लेने के लिए गया। पूरे दीन इस्लाम का जो खुलासा है ना जी, आप अगर दीनी मदारस में जाके नहीं पढ़े, जामियात में जाके नहीं पढ़े, मस्जिदों में जाके आपने दीनी क्लासेस नहीं ली, मैं आपको दो जुमलों में खुलासा बता देता हूँ। हमारे पूरे दीन का खुलासा है अकीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता, रब की इबादत में गफलत नहीं करनी, और अगर अल्लाह ने दिया है तो बंदों को खिलाने पिलाने में गफलत है, अल्लाह के आगे झुको, उसके बंदों का ख्याल रखो, ये सारा दीन है। मेरे मत्थे कसाड़ना भी कुछ नहीं लगता अगर बंदा बखील हो। तौहीद और मोहब्बत रसूल, ये दीन का खुलासा है। नमाज और जकात, यानी अल्लाह की इबादत और खलके खुदा की खिदमत, अगर अल्लाह ने दिया है तो रसूलुल्लाह के तरीके मुताबिक बंदा देता है। एक सहाबी गए गांव में ज़कात लेने के लिए, ये बड़ा काबिले तवज्जो वाकया और आखिरी वाकया। जब उसका हिसाब किया ना, यार ऐसे ऐसे लोग भी जमीन पर थे, हम कहाँ खड़े हैं, ये सवाल है। हिसाब किया तो एक ना छोटी सी ऊंटनी उसके जिम्मा थी, ना वो सवारी के काबिल थी और ना वो दूध के काबिल थी। जो सहाबी लैन गया सर, वो कह लगे जी मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिया ते तेरे हिस्से रही अन्नी की उठनी बन गई है, छोटी जी दे छड़। वो कह लगा ना, तू पहली दफा मेरे पास आया और रसूल पाक ने भेजा, तो मैं ये नहीं दूंगा, ये इससे बेहतर उठनी है, सवारी के काबिल भी है, ये दूध के काबिल भी है, ये ले जाओ, ये मैंने नहीं देनी, ये किस काम आएगी, ना आप इसका दूध धो सकते हैं, ना इस पर सवारी कर सकते। अब वो सहाबी की ईमानदारी देखें, वो कहने लगा मैं तो नहीं ले सकता, मैंने तो देखो जो आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है मैंने सिर्फ वही लेना है। अब वो कह रहा नहीं मैंने वो नहीं देनी, वो तो किसी काम की नहीं है, मैंने उससे बेहतर देनी है। वो बेहतर दे रहा है, ये बेहतर नहीं ले रहा। वो सहाबी कहने लगे ऐसे करती है, करीब ही मदीना शरीफ चले चलते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर ले, अपने दिल का मामला बता दे, अगर अल्लाह के रसूल कबूल कर रहे तो ठीक है। चले गए, अपना केस पेश किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसके जानवरों का हिसाब किया है, ये छोटी सी ऊंटनी इसके जिम्मे है,
तो ये कहता है नहीं मैंने ये नहीं देनी, मैंने बेहतर देनी है, ताकतवर सेहतमंद देनी है, दूध के काबिल जो है, सवारी के काबिल जो है वो मैंने देनी है, मैं इसे लेता नहीं। तो आपने सुना अगर ये दिल की खुशी से दे रहा है तो कबूल कर लो। कबूल कर ली गई, उसके लिए रसूल पाक ने दुआ की, उसने वो दे दी, वो चला गया। पर शायद उसी वाकया में मैंने पढ़ा या मैं कहने किसी दूसरी वाकया में पढ़ा कि जब अगले साल सहाबी उसके पास ज़कात लेने गए थे तो उसकी ज़कात 30 ऊंटनियां बनती थी। कितनी ऊंटनियां? 30। पिछले साल जब गए थे तो एक छोटी सी ऊंटनी उसने ज़कात में दी थी जो ना दूध के काबिल थी ना एक साल में, देख ले बरकत कहां से कहां गई। कंजूस, मक्खी चूस और जोड़ने वाला, झूठ बोलने वाला, ना बहन को कभी कर्ज दिया, ना भाई को कभी कर्ज दिया, ना कभी बहनोई की जरूरत पूरी की, ना छोटे भाई की जरूरत पूरी की। ऐसे तंग नजर, तंग दिल लोग जो होते हैं ना, वो दुनिया की जहन्नम में जल रहे होते हैं। यकीन माने मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये चौथे नंबर पे इस क्लास को क्यों रखा है कि जिस बंदे को देने की आदत है ना, खर्च करने की आदत है, ख्याल रखने की, अल्लाह उसको इबादत की भी तौफीक दे देता है और वक्त आ जाता है कि अल्लाह पाक उसको छोटे बड़े गुनाहों से बचने की भी तौफीक देता है। सदका बंदे को बहुत बुलंदी पे ले जाता है, अल्लाह की राह में खर्च करना। फरमाया तज़किया होता है, अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब और गुस्सा ठंडा होता है, अल्लाह तबारक व तआला कब्र की जो लो है, कब्र की सख्ती जो है, अल्लाह पाक उससे निजात देते हैं, अल्लाह पाक अपने अरश का साया देते हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह की राह में देने वाला बंदा, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखने वाला बंदा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सदके के साये तले होगा, सदका उसके लिए साया बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं तकाबुल के साथ आज की क्लास में ये जुमला बार बार बोल रहा हूँ कि हम पिलाने आए हैं, हम खिलाने आए हैं, हम लुटाने आए हैं, हम चुराने नहीं आए, हम खयानत करने नहीं आए, हम झूठ बोलने नहीं आए, हम जोड़ने नहीं आए, हम अल्लाह की राह में देने आए। और जो अल्लाह की राह में देता रहता है, अल्लाह पाक उसके लिए भी खैर के दरवाजे खोल देता है। जो एक सही मिजाज बंदा होता है ना जी, इधर देखना, उसका अखलाक भी बहुत अच्छा हो जाता है, उसकी दिल की कैफियत भी बड़ी अच्छी हो जाती है, अल्लाह पाक उसके दिमाग और सीने में भी बड़ी गुस्सत, अल्लाह बड़ी गैरत वाला, अल्लाह ने किसी का हक रखता, ये ज़हन में रखना। और ये जो मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, ये गालबन सूरह मुनाफिकून की जो लास्ट सेकेंड लास्ट आयत है, अब इसका जरा तर्जमा घरों में जाके देखना, एक दफा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले पहले खर्च करो। जब बंदे पे मौत का वक्त आता है ना, तो उस वक्त बंदा पता क्या कहता है, या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं तेरी राह में सदका कर लूँ। यह नहीं कहता अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं नमाज पढ़ लूँ, थोड़ी सी मोहलत दे दे। मैं उसको नजर आ रहा होता है कि ये जो अल्लाह की राह में देना है ना यार, इसका बड़ा ही रुतबा है। अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरी राह में कुछ खर्च कर लूँगा। अकुम मिन सालहीन, और या अल्लाह थोड़ी सी मदद दे दे, मैं नेकोकार बन जाऊँ। ये जो मैं बगावते और गफलते करता रहा हूँ, ये आइंदा ये ऐसा सिलसिला और ऐसा मामला नहीं होगा। पर अल्लाह फरमाते हैं जब वक्त आ जाता है तो फिर हम मोहलत नहीं देते। तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला से दुआ करें इन कलमात पर आज की क्लास को हम इख्तितामी मराहिल की तरफ लिए चलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस माल को हमारे लिए रहमत बना दे। माल ने लोगों को बदतमीज़ बना दिया, बेअदब बना दिया। अल्लाह की कसम, मैंने एक नौजवान को देखा है, नाम उसका क्या लेना है, उसके बाप ने ना दिहाड़ी करके उसको पढ़ाया था, दिहाड़ी करके, और आज वो बड़ा मामूली सतह का अफसर है, उतना बड़ा अफसर नहीं है। खुदा की कसम, अपने बाप को ऐसे बुलाता है कि जानवरों को भी ऐसी आवाज़ नहीं दी जाती। हजरत साहब, उसकी आंखों में ऐसा खमार है पैसे का, भाइयों को दुदकारता है, बहनों को दुदकारता है, बुजुर्ग बाप है, तहज्जुद गुजार, उसके उसकी दाढ़ी में चांदनी है, लेकिन पैसे का खमार उसको ऐसा चढ़ा हुआ है, वो ऐसी बदतमीजी करता है कि जब मैं किसी वक्त वहां होता हूँ और मैं देखता हूँ, अल्लाह की कसम मेरा अंदर बोल के कहता है ये बंदा अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। मेरे प्यारे भाई, उस माल को क्या करना है जिसने बेअदब बना दिया, बदतमीज बना दिया, मुतकब्बर बना दिया, रब का नाफरमान बना दिया, रब का ही बागी बना दिया, जिसने ज़िंदगी को ही तंग करके रख दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ हलाल को हमारे लिए बाएं से रहमत बना दे, इस पर आप वर्क करें, मेहनत करें। अच्छा, इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जाते जाते सुन लें। एक तो देना है दिल की खुशी से,
सारी जिंदगी, मसलन बहन को दिया है, बहनोई को दिया है। कोशिश करें अपने ना, ये भी आपको मसला मैं बता रहा हूँ, करीबी रिश्तेदारों को तरजीह दें, वो आपसे अच्छा सलूक करते हैं फिर भी खर्च करें। अगर उन्होंने किसी मौका पे आपके साथ ज्यादती की भी थी ना आपके कजन ने, तो यार सारी जिंदगी किरण नहीं निकालो, ये भी मुसलमानी नहीं है। मैंने देखा खालाजाद भाई है, मामूजाद भाई है, तायाजाद भाई है, फुफोजाद भाई है, वो कहे यार कभी कभी बेशो सारी सारी जिंदगी फिर किरण निकालते हैं, वो शरीका होता है, ऐसे नहीं करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो कुरान शरीफ की आयत नाज़िल हुई थी ना चौथे पारे की, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू, उस वक्त तक तुम्हें अजर नहीं मिलेगा जब तक अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में नहीं दोगे। तो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे गालिबन हजरत तलहा, उनका एक बाग था मसे नबी के बिल्कुल सामने, वो कहने लगे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा पसंदीदा माल दे तो अल्लाह तआला तब कबूल करता है, ये जो बाग है ना ये बिल्कुल देख ले फ्रंट बनता है मसे नबी का और सबसे ज्यादा कीमती मेरा बाग है, दुआ हो जाए मैंने इसको अल्लाह की राह में दिया, आप इसको अल्लाह की राह में खर्च कर दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तेरे चचाजाद भाई गरीब है, ला देखे हमारे नबी पाक कितने रहमतुल्लिल आलमीन है, सोचो वो जिहाद में दे रहा है, वो अल्लाह की राह में, तेरे चचाजाद जो भाई है वो गरीब है कमजोर है उन पे खर्च कर, अल्लाह तुझे फीस भी लीला से ज्यादा सवाब अता करे। तो जब यार अल्लाह शान दे बदले दे मुकाम दे तो बदले नहीं लेते यार, हसद नहीं करते यार, आपकी जुबान हिलाने से इधर देखो, आपके वीजा देने से इधर, अगर आप किसी को वीजा दे सकते हो दो यार, जवानों अगर किसी की सिफारिश कर सकते हो करो यार, हर बंदे का अपना नसीब है। मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मैं यहाँ पे $500 की जॉब करता हूँ, मैंने किसी को वीजा दिया, अल्लाह उसको $2500 की जॉब दे दे यार, ये उसका नसीब है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसके घर में इज्जत की रोटी जा रही है, मुझे अल्लाह ने जरिया बना दिया, इससे मैंने बड़ी खुश नसीबी किया है, दिल में तंगी नहीं होनी चाहिए यार, कोड़ नहीं होना चाहिए। मैं ये आपसे बातें इसलिए करता हूँ कि मैं फैमिलीज में रहता हूँ, लोगों में रहता हूँ, मैंने देखा है, यकीन माने अदरत जी सिर्फ चाचे ने इस वास्ते भतीजे को वीजा नहीं दिता कि मेरे तो अगे ना निकल जाए, बड़े बड़े मुवाकी आए कि सिर्फ जुबान हिला सकता था और ये बंदा ताज और तख्त का मालिक बन सकता था, लेकिन उसने जुबान भी नहीं हिलाई कि इसका भला ना हो जाए। मुझे बताए इस जानवर को अल्लाह को खैर देगा तो नहीं आखिर तुम्हें, जो इतना तंग नजर इंसान है, इतना तंग नजर तो दरिंदा भी नहीं होता, कीड़ी भी कीड़ी का ख्याल करती है, नजर भी आ रहा है कि अगर इसने ये सौदा किया, ये मामला किया, ये वीजा उठा लिया, ये काम किया तो खसारा उठाएगा, ये फ्रॉड हो, जानबूझ के सारा कुछ होने देता है अपनी अना की तस्कीन के लिए। तो वो चींटी ने क्या कहा था कि चींटियों अपनी अपनी बिल्लों में दाखिल हो जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान का लश्कर रौंद ना दे, एक कीड़ी दूसरी कीड़ी की खैर का है। और हम आशिक़े रसूल हैं, हम सदके जावा या रसूल अल्लाह, वल्लाह ये हंसने वाली बात नहीं, सदके जावा या रसूल, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हुरमत रसूल पर जान भी कुर्बान है, और अंदर के काले करतूत देख ले, खूनी रिश्तेदारों को हमने दुश्मन बनाया हुआ है, बैरी बनाया यार, ठीक है अगर किसी के साथ मेरा मिजाज नहीं मिलता यार, जियो और जीने को, हाँ जब आपको मौका मिले तो फिर यूसुफी बनो। आपको पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन भाइयों ने कुएं में फेंका था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिलआखिर भाइयों को माफ कर दिया था, आपको पता है कितना बड़ा उनका जुल्म था, किड़ नहीं निकाली थी। जब अल्लाह शान दे मकान दे तो यार खर्चा पानी नहीं बंद करना चाहिए। तो आज के सारे लेक्चर का और दरस का और क्लास का जो माटो है, खुलासा है, वो ये है, अपनी खालाएं देखें, अपने मामू देखें, मामूजाद भाई देखें, दाएं बाएं देखें, मोहल्ले में देखें, वहाँ जो नमाजी शरीफ लोग हैं उनको देखें, और कोशिश करें अगर आप $300 भी $150 भी लेते हैं ना, उसमें से भी आप कोशिश करके यार देखें तीसरा हिस्सा नहीं, यकीन माने आप तीसरा हिस्सा दें तो आज भी बादलों से आवाज आएगी, यकीन की कमी है, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं। मैं गुजरात फैसलाबाद की एक पार्टी को जानता हूँ, वो मेरे पीछे जुमा पढ़ते हैं, वो राजनियाज की बात मेरे साथ कर देते हैं, यकीन माने मैं हैरान होता हूँ जो अल्लाह ने उनको फराकी दी है, उनकी राज की बात क्या है कि वो तीसरा हिस्सा रब का हिस्सा रखते हैं, तीसरा हिस्सा रब को देते हैं। ये मैं आपको फैसलाबाद का एक सच्चा वाक्य बता, और वाकयतन अल्लाह उनको वहां वहां से दे रहा है कि मैं हैरान हो जाता हूँ, वाह मेरे अल्लाह तेरी शान है।
अगर आप गैबी मदद लेना चाहते हैं ना, थोड़ा सा हौसला अपने अंदर पैदा करें, लेकिन कम से कम चलो यार तीसरा हिस्सा नहीं तो तीसवा हिस्सा रख लो यार। अगर $300 है तो चलो उसमें से $10, अगर $30 है तो $1। और चलो मैं यार एक और बात करता हूँ, इधर देखो तीसवा भी नहीं तो चलो यार कम से कम बंदा ये तो जहन बना रहे यार मैंने चुराना नहीं, मैंने लूटना नहीं यार, मैंने गिरा नहीं देना किसी को, खाते यार मैंने जलना नहीं, सड़ना नहीं, कुड़ना नहीं यार। बहनों के हक मार के बड़े बड़े दीन के ठेकेदार बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, पहली साहब के नमाजी हैं, करोड़ों रुपया के मालिक हैं, मरबों के मालिक हैं, सखी बहनों को हिस्सा नहीं दिया जी, पैसे ने बेड़ा गर्क कर दिया। और सारी बातें रसूल पाक ससम ने बयान कर दी थी कि मेरी उम्मत का फितना माल है, सियाबा मुझे ये डर नहीं है, अल्लाह अकबर, ये डर नहीं है कि गुर्बत से मर जाओगे या गुर्बत से मारे जाओगे, मुझे ये डर है कि अल्लाह साज देगा, फराखी देगा और तुम अल्लाह को ही भूल जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, यहाँ पर जो आने का हमारा मकसद है दुनिया में वो अल्लाह की इबादत है, और इबादत मैंने आपको बताया था शौक से करनी है, मोहब्बत से करनी है, सुन्नत के मुताबिक करनी है, रगबत खशियत से करनी है, समझ के करनी है। ये जो नमाज कोर्स वाला हमारा लेक्चर था वो भी यूट्यूब पे इंशाल्लाह आ जाएगा, कल वाला भी आ चुका है, तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें अल्लाह हमें पूरे शौर से अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। कल का लेक्चर बड़ा अहम था गुनाहों के मामले में, जो भाई कल तशरीफ नहीं है ला सके उनका लिंक भेजें यार, 15-20 मिनट निकाल के कल वाला लेक्चर फिर एक दफ़ा सुनना, कभी जिंदगी में काम आए, चले अगर ना भी काम आए सुन लें एक दफ़ा फिर दुआ करें अल्लाह गुनाहों से पाक जिंदगी अता फरमाए। आज मैंने खुशियों का सिरा आपके सामने रख दिया, इसको मजबूती से पकड़ लें सिरे को, जिंदगी की बहार और आखरत का खजाना मैंने आपके सामने रख दिया, अल्लाह काली मौत से बचाएगा यकीन माने, खात्मा अल्लाह ताला आप पर ईमान पर करेगा, आप सोच नहीं सकते कि देने वाले को अल्लाह कितना देता है। ये जेन बदलो कि उसने देना जो कोठी का मालिक है $2000 लेता है, $1500 लेता है, आपको पता है कि गरीब अल्लाह की राह में एक दे तो अल्लाह लाख के बराबर बना के कबूल करता है। हदीस शरीफ में आता है बंदा एक खजूर देता है इखलास के साथ, रिजक उसका हलाल हो, अल्लाह पाक उसको बड़ा करते रहते हैं बड़ा करते रहते हैं। ये बुखारी है, बुखारी शरीफ है, फरमाया जब वो पहाड़ के बराबर हो जाती है ना खजूर, जवानों सुनना, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी राह में खजूर नहीं दी, मेरे बंदे ने मेरी राह में पहाड़ ही दे दी। तो भाई अल्लाह बड़े कदरदान है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल पाक फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की राह में देता है फरिश्ते, दो फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह आते मुनफिकन खालफा, अल्लाह इस देने वाले को और दे दे। और जो बंदा जोड़ जोड़ के रखता है ना रोजाना, दो फरिश्ते बददुआ करते हैं, ये बददुआ सुन लो अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलाफा, या अल्लाह जिसने ताले लगा लगा के रखा हुआ है ना जोड़ जोड़ के रखा हुआ है अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, ये फरिश्ते डेली बददुआ करते हैं। तो कुछ हिस्सा मखसूस करें जी अपनी रकम में से, कि मैंने मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी आपके ज्यादा मामले कि पाकिस्तान में यार मैंने ना 10,000 के करीब अगर कर्ज किसी ने भी मांगा तो मैंने रखा हुआ मैंने दे देना है, 10,000 ही किसी को कर्जा देने के लिए थोड़ी सी अमाउंट सेट पर रखो, कुछ वैसे देने के लिए रखो, किसी का इलाज मुआवजा है, किसी की बेटी की शादी है, आगे बढ़ के ये सारे मामले करो, सब के काम होते रहते हैं। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आगे बढ़कर अपने बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, इससे गैबी मदद मिलेगी, इससे शिफा मिलेगी, इससे वो पहले साल जब लेने गया था तो एक ऊँटनी थी वो भी छोटी, अगले साल कितनी ऊँटनियाँ थी, लेकिन दिल की खुशी शर्त है, इस बात में झगड़ा हो रहा है कि मैंने छोटी ऊँटनी नहीं देनी मैंने बड़ी ऊँटनी दे दी। तो यार हमने तो अल्लाह की कसम जहाँ पर पैसे के लिए आखिरी दाव पे लगा दी यार, कबरी दाव पे लगा दी यार, अकलबंदी है, माल की खातर देख लें सारा मुआशरा तबाह, मुल्क बर्बाद हो गया, ये क्या कुछ हो रहा है आपके मुल्क में, देखें सारा माल का फितना दर्ज, गवर्नमेंटें लड़ रही हैं, हुकूमतें लड़ रही हैं, सारे मामले देख लें, ये मुसलमान नहीं, मुसलमान ऐसे होते ये क्या हमारे मुसलमान, ये पाकिस्तान में नौजवान मुझे सुनेंगे मैं यार आपसे पूछता हूँ यहाँ बैठे हुए ये क्या तमाशा पूरी दुनिया को दिखला रहे, काश मुसलमान मुसलमान हो और हक वाले को हक दे, मुल्क का खैर खा हो, वतन का खैर खा हो, अपनों का खैर खा हो, हमें तो दुश्मनों पर भी खर्च करने का हुक्म है, जानवरों पर खर्च करने का हुक्म है, चाहे जाए कि अपना प्यारा यार प्यासा रहे, भूखा रहे, तकलीफ में रहे,
अल्लाह तबारक व तआला आज की हमारी इस क्लास को हमारे लिए निजात का जरिया बना, बख्शिश का जरिया बना। सारे भाई दुआ कर दें, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला मैंने इस कुरान शरीफ में पढ़ा तेरी रहमत बड़ी वसी है अल्लाह, जिन घरों में औलादें नहीं है अपनी रहमत के साथ उनको नेक बेटे अता फरमा, जिनके पास बेटियां नहीं है अल्लाह उनको बेटियां अता फरमा। मेरे समेत जो भाई नमाज में गफलत करते हैं अल्लाह ताला तू तौफीक दे तो गफलतें दूर होती हैं, अल्लाह तबारक ताला नमाज की गफलत दूर फरमाए। चुराने वाला नहीं, छुपाने वाला नहीं, पिलाने वाला खिलाने वाला और अल्लाह अपनी राह में और अपने बंदों पर लुटाने वाला अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ बना दे। और अल्लाह तबारक व तआला ये जितने नौजवान भाई यहाँ कारोबार के लिए जॉब के लिए आए हैं अल्लाह इनके मामलात में आसानी फरमा, अल्लाह पाक इनको वहाँ वहाँ से रिजक दे के जहाँ से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, बेहतर से बेहतर जॉब और बरकत वाला रिजक और मुबारक रिजक अल्लाह पाक इनको अता फरमा। अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं ज़कात देता रहूँ, अल्लाह मुझे इतना दे दे मैं मस्जिदें बनवाऊँ, अल्लाह मुझे इतना दे दे मैं यतीम खा, कि अल्लाह से दुआएं किया करो, तौफीक मांगा करो, देते रहा करो इंशाल्लाह। इमाम शाफी कहते थे जो बंदा ये कहता ना मेरी गुर्बत नहीं खत्म होती वो अल्लाह के साथ तजारत करे। इसने पूछा इमाम साहब क्या मतलब, फरमाया जितना भी गरीब है ना वो अल्लाह की राह में देता रहे, अल्लाह से तजारत करे, अल्लाह बड़ी गैरत वाला है बड़ा नफा देगा अल्लाह ताला उसको, समझ आती है तब भी तजारत करे, नहीं समझ आती तब भी तजारत करे, देता रहे चुपके चुपके अल्लाह की राम, खुशी से देना है और छुपा के देना है, जिसको देना है उसको आहिस्ता से उसके कान में कह देना है ओ बाबू बताना नहीं है किसी ने कि मैंने तुझे दी, दिल की खुशी आ जाए और बंदा छुपा जाए अल्लाह की राम में एक जर्रा दे के अल्लाह पहाड़ देते हैं खुशियों का बरकतों का रहमतों का। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन والحمد لله رب العالمين।